सो गाइज, एज प्रोमिस्ड आ गया लोनावाला का वीडियो लेके, और इन्हीं सुंदर वादियों को फॉलो करते करते हम पहुंच गए अपना डेस्टिनेशन सेरेनिटी रिसॉर्ट। सेरेनिटी रिसॉर्ट फैब होटल्स के अंदर आता है और ये एक लोनावाला का प्राइम लोकेशन टुंगल्ली नाम के एक जगह पे है। रिसॉर्ट बहुत ही वेल मेंटेन्ड है और सारे कोविड नॉर्म्स भी ये लोग फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे आप विला ले सकते हो, गार्डन फेसिंग रूम ले सकते हो, स्विमिंग पूल फेसिंग रूम ले सकते हो, और बेस्ट पार्ट मुझे तो ये लगा कि हर एक रूम के साथ उनका अटैच्ड पार्किंग भी है। और ये रहा हमारा गार्डन फेसिंग रूम, और बाहर का ये जो टीपा है ये बहुत ही प्यारा था। अभी आप सामने यहाँ का विलाज देख रहे हो, जिसके नीचे तो लिविंग रूम है और ऊपर बेडरूम रहते हैं और साथ में अटैच्ड पार्किंग। सो अगर आप बड़े फैमिली लेकर आते हो तो आसानी से आप एक विला बुक कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा बेड्स मंगा लो और सब लोग एक ही विला में इंक्लूड हो जाओगे। और ये रहा सामने रिसेप्शन और रेस्टोरेंट। यहाँ का बेस्ट पार्ट मुझे यहाँ का ग्रीनरी लगी, और प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट्स भी थे जहाँ पे आप बैठ के मानसून का मज़ा ले सकते हो। हमने लंच टाइम तक चेकिंग किया था तो भाई ज़ोरों की भूख लगी थी, तो क्या खाया चलिए देखते हैं। इस ब्यूटीफुल सम मौसम में सर जी हमारे चिकन हंडी एंड बटन तंदूरी रोटी का मज़ा लेते हुए अपना ब्यूटीफुल सा टी पॉइंट में बैठ के कैसा लग रहा है? मस्त। सो जो बड़ा मार्केट है वो यहाँ से 2 किलोमीटर है। ऑटो वगैरह कुछ दिख तो नहीं रहा है, और दिखेगा भी तो एक्सपेंसिव होगा लाइक द सेट। तो बस शाम होते ही मैं निकल पड़ा मार्केट प्लेस के लिए। यहाँ कुछ दिखे ना दिखे, मगनलाल को चिक्के तो ज़रूर दिखेगा, क्योंकि एक नहीं हज़ारों है और बहुत फेमस है। फाइनली हम आ पहुँचे लोला बार एंड रेस्टोरेंट। बदनसीबी यही है कि ड्राई डे था, बट एनीवेज एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे अपना हाई टी किया। This is the lemon coriander soup. Let us try though. What is it? It's lemon coriander soup. Lemon coriander soup. There is obviously coriander. Broccoli. Obviously lemon. Okay. Broccoli. And obviously baby the corn. Soup. Pani, bowl, namak. Plate, namak. Hoteliers can write anything into their description to make it look attractive, okay? Day 2 started with mast, zabardast barish. और हम तो बस चल पड़े 11 नंबर गाड़ी से अपने टूर के लिए। एक कप गर्मा गर्म चाय लिपटा के हम अपने टुक टुक से चल पड़े टाइगर्स पॉइंट के लिए। ऐसे धुंध में मैं इससे पहले तो कभी ट्रैवल नहीं किया। इट वॉज रियली एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस। कैसा लगेगा अगर आपको आगे कुछ ना दिखे फिर भी आप आगे बढ़ते जा रहे हो? भाई बहुत डरावना है, इट वॉज रियली स्केरी, बट डर के आगे जीत है, तो हम आगे बढ़ते गए। भाई टाइगर तो क्या, बिल्ली भी दिखे नहीं, मिला तो सिर्फ ज़बरदस्त बारिश और धुंध। कुछ विजिबल नहीं है, इट इज चिल्ड आउट कोल्ड ओवर हियर। दिस इज सपोज टू बी द टाइगर पॉइंट, यहाँ पे दिस इज द टाइगर पॉइंट, यहाँ पे हिल्स और झरना दिखना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं दिख रहा है, बस नथिंग। इतना फॉग है कि कुछ नहीं दिख रहा है।
the visibility, zero visibility. Over here, zero visibility, nothing. Nothing at all. Cheese. Grated cheese. एक बाइट तो बनता है चलो ओ स्टीमिंग हॉट गर्मा गर्म चीज मैगी लिपटा के हम चले मकाई खाने और यहाँ पे हम लिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स। फाइनली हम टाइगर पॉइंट को बाय बाय बोल के हम चल दिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। यह है खंडाला। लकीली यहाँ पे धुंध नहीं था तो इसीलिए आप लश ग्रीनरी को एंजॉय कर सकते हो। और ऑटो में अगर आप जाओ तो 6-7 पॉइंट के लिए आपको वो लोग लगभग 1100 के आसपास चार्ज करेगा और गाड़ी के लिए अलग रेट। अगर आप नेचर लवर हो तो यू कांट मिस दिस टाइप ऑफ सीनरीज। लाइफ में एक बार तो लोनावाला ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट चलते चलते हमको वाटरफॉल दिखा और हम उधर रुक गए और फुल आनंद लिया। ऐसे छोटे मोटे वाटरफॉल आपको लोनावाला में बहुत सारे जगह पे दिखेगा अगर आप मानसून में जाओ तो। सामने कैंडी फ्लॉस और बबल्स बिकते हुए दिखा तो बचपन का याद आ गया। बचपन में मम्मी पापा के साथ जब मेले जाते थे तो अपने आप को रोक नहीं पाया, खरीद लिया। आखिर में दिल तो बच्चे है जी। फाइनली आ पहुँचे पॉटरी शॉप में और मेरे मैडम तो उधर ही चिपक गए। भाई आर्ट तो बहुत ही अच्छा है पर थोड़ा कॉस्टली है, बार्गेनिंग बहुत चलती है, तो अगर बार्गेनिंग बराबर से कर पाओ तो अच्छा डील मिलेगा। इसीलिए हमेशा खाली वाले दुकान चूज़ करना। भूख ज़बरदस्त लगा था तो इसीलिए खंडाला में ही हम लोग एक ढाबे पे लंच किया, मसाला उत्तपम और मसाला डोसा। शाम को होटल पहुँच के हमने पकौड़ा ऑर्डर किया और बाहर का ये जो टीपा है इसको तो हम लोगों ने जम के यूटिलाइज़ किया। बहुत ही प्यारा था और जो कि मानसून सीजन था, बारिश के टाइम पे मज़ेदार स्नैक्स और गर्मा गर्म चाय। ओहो, सो वी आर हियर फॉर द डिनर एंड वी हैव चोजन टू डाइन आउटसाइड टुडे। दिस इज इन द सेम सेरेनिटी रिसॉर्ट and there is dining area inside also, but we do not wish to eat inside. Noodles, egg noodles and chicken hot garlic. Yes, please start hogging. Okay. How's it? Nice. Not exact Chinese, but yeah, it is having that Indo-Chinese flavor. Hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना फ्यूचर नोटिफिकेशंस के लिए। बाय बाय, स्टे सेफ एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।